हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? मेरे नाम से तो आप सब वाकिफ़ होंगे, देसी सर्वाइवर। ये एरिया आप देख सकते हैं, मैं किस एरिया में खड़ा हूँ। और मेरे साथ मेरे जो पार्टनर है, ट्रैवल पार्टनर है, जुए फोर मैन बिलू साहब। ये हम इतना एरिया पार करके हैं, जो पीछे वाले आप पहाड़ देख रहे हैं, ये जो सतह मुर्तफा से 10,000 फुट की बुलंदी पे है, इसके बैक साइड पर आपको नागा पर्वत और अशनागिरी नज़र आएगी। ये केटू के पहाड़ है। ये हम इतना एरिया क्रॉस करके आए हैं, इसमें हमें लगे हैं 10 दिन लगे हैं। अभी हमने ये सारे पहाड़ क्रॉस करने ऊपर जाना है, और जगह आप देख सकते हैं, Workout पथरीला pause. जहरीली जगह है। और ये हम इस जगह को क्रॉस करके आगे जाएंगे, इससे आगे जगह देखना है। ये वो जगह जो परिस्तान कहलाती है। अब हमने इस परिस्तान में दाखिल होना है। बेइंतहाई ख़तरनाक जगह है, और रात का टाइम स्टार्ट हो गया है। इस टाइम शाम के 6 बज चुके हैं, सूरज ढलने वाला है, और ये सारी जगह मारनी है। और हमारे पास टाइम है बहुत कम, और जगह का हमें अंदाज़ा नहीं है। इस ज़मीन का हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, जगह का हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पे क्या कुछ होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, कुछ पता नहीं है। और हम जा रहे हैं, अभी हम इसको क्रॉस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं साथ साथ कि Workout आपको बताता resumed. जाऊँ। ये देखिए, आप ये जगह देख सकते हैं, कितनी ख़तरनाक जगह है। बिल्कुल समझ नहीं आएगी किधर पाँव रखे हैं, किस जगह नहीं है। जगह पे इतनी लैंड स्लाइडिंग होती है कि आपको समझ नहीं आती किस जगह पे पाँव रखें, किस जगह पे नहीं। और अभी यहाँ पे फॉग भी आ जाती है, और इस जगह पे देखना कितना मुश्किल है। आप देख सकते हैं कुछ नहीं पता चल रहा, सिम का टाइम नहीं हो रहा, लेकिन हम कोशिश में लगे हैं कि यह जगह हम रात होने तक पार कर जाएँ, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे। ये आप देख सकते हैं मेरा साथी पार्टनर कितने मुश्किल जगह से जा रहा है, और मैं भी इनके पीछे पीछे आ रहा हूँ। ओह, और ये मुझे किसी चीज़ ने पकड़ लिया, कुछ चीज़ मुझे। पौधे भी यहाँ पे आदमखोर पौधे हैं, जो आपको अपनी तरफ खींचते हैं, खून पीने की कोशिश करते हैं। इन सब से आपने, इन सब सूरत हाल से, इन सब चीज़ों से आपने बचना है। ये आप देखें मैं किस तरह की जगह से जा रहा हूँ। ओह, बहुत मुश्किल, अंधोनाक, ओमनाक, गजबनाक, और जितने भी नाक हैं वो सारी इस जगह के लिए हैं। बहुत ख़तरनाक रास्ता, और कोई भी हाइकर आज तक, आप 1965 से शुरू हो जाए तारीख उठा के देख लें, और आज 2018 है, कोई भी हाइकर कभी भी इस रास्ते से नहीं गुजरा। और मेरा चैलेंज है उन सब लोगों को, उन सब लोगों को जो अपने आप को हाइकर समझते हैं, अगर वो अपने आप को समझते हैं कि उनमें इतना स्किल है, उनमें इतने गट्स हैं, तो मैं इन सबको कहूँगा कि पहले वो घर जाएँ और डिटॉल साबुन से मुँह धो के आएँ, बाद में मेरे सामने आए, मुझसे आंखें मिलाएं, क्योंकि उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं है जो मेरा सामना कर सके। इस जगह पे आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं, हसीन और जबील पहाड़, ख़तरनाक पहाड़। और ये है परिस्तान, इसे कहते हैं परिस्तान नाजरीन। ये है परिस्तान, देख सकते हैं आप, आसपास कुछ भी नहीं है, कोई पानी, कोई कुछ नहीं, कोई चरिंद प्रिंद, सिर्फ अजीब व गरीब से परिंदों की आपको आवाज़ें आ रही है, कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ मैं नज़र आ रहा हूँ मैं। और ये देखिए आप, मेरी फुर्ती देखिए, मैं पहाड़ों पर भागता हुआ जा रहा हूँ, इसे आप मेरा स्टेमिना का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस टाइम जो टेम्परेचर है वो -1 तक पहुंच गया है, -1 तक। और इस तरह के टेम्परेचर में इन पहाड़ों पे चलना, कोई खाला जी का घर नहीं, कोई राजवाड़ा नहीं है, ये वही काम कर सकता है जो कि हिम्मत वाला हो, जिसका दिल मजबूत हो। इंतहाई तेज़ और तंद तूफ़ानी हवाएं टकरा रही है इस जगह पे। जब भी आप आए तो अपने साथ पाकिस्तान की गोलियां रखें। क्या आप भी सुन रहे होंगे कि 1 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। Elevation 470 meters. और ये एलिवेशन भी आपको बता रहा है। 17 minutes 33 seconds. इतनी ड्यूरेशन और इतनी एलिवेशन हो गई है। ये हम चढ़ रहे हैं ऊपर आगे, और हमें रास्ते की सिमत का अंदाजा नहीं है, सिमत का बिल्कुल तयन नहीं है, हमने किस तरह से जाना है। ये आप देख सकते हैं, कोई सिमत नहीं है, कुछ पता नहीं है, ना कोई घर है, ना कोई ठिकाना। हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली, अपनी मंदिर की तरफ, खरामा खरामा, टू द पॉइंट जा रहे हैं मंदिर की तरफ, लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पे बस एक फुल स्टॉप है, कोई आबादी नहीं, कोई बंदा नहीं जिससे हम पूछ सकें, कोई हमें रास्ता बता दे। तो फ्रेंड्स, सर के आप देख रहे हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं भी थक गया हूँ, और इतनी देर तक मैं अपना DSLR नहीं पकड़ सकता, ज़्यादा मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। तब तक के मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी और मेरी टीम के लिए दुआ। अल्लाह हाफिज़।